फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनोखा सलाद। लहसुन, प्याज, अदरक, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक और नींबू, यह है एक प्रकार की सलाद। इन तीनों का वजन लगभग 25 से 30 ग्राम के करीब हो। इन तीनों मसालों की सलाद भोजन करने से 15 से 20 मिनट पहले यदि कर ली जाए तो हमें काफ़ी फायदे होते हैं। जिस प्रकार लहसुन, अदरक और प्याज हर एक भोजन का आधार है, इनके बिना भोजन ना तो स्वादिष्ट बनता है और ना ही पाचक होता है। प्राचीन काल से ही इन तीनों का भोजन में होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि इन तीनों से शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन बना रहता है। सभी सब्जियों में इन्हें हम डालते ही हैं, लेकिन यदि शरीर में दर्द, बादी, गैस, जोड़ों में दर्द, हृदय रोग, पाचन तंत्र में गड़बड़ आदि बना रहता हो तो दूसरी दवाइयों को लेने की बजाय प्रतिदिन भोजन से पहले लहसुन की 2 कलियां, छोटा प्याज, 1 टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक काट लें और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा नींबू का रस मिला लें और इस अनोखी सलाद को भोजन करने से 15 से 20 मिनट पहले चबा चबा कर खाने के बाद 1 कप गर्म पानी पी लें। ऐसा करने से आपकी भूख चमक जाएगी, भोजन पचाने की शक्ति बढ़ जाएगी। इन सभी चीज़ों में जितने भी गुण हैं उन सभी को आप प्राप्त करोगे। जैसे लहसुन की ही बात करें तो लहसुन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, हृदय का स्वास्थ्य अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यह सर्दी खांसी में बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर में इन्फेक्शन नहीं होता, एलर्जी नहीं होती, कैंसर जैसी बीमारी से हमें बचाव मिलता है। अब बात करते हैं अदरक की, तो अदरक का सेवन करने से शरीर में सूजन नहीं आती, जोड़ों का दर्द, गठिया आदि ठीक होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके सेवन से खून साफ होता है। अदरक कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को समाप्त करता है, खून पतला करता है, जिससे ब्लड प्रेशर का रोग नहीं होता, सभी प्रकार के दर्द से हमें राहत देता है, पाचन संबंधी सभी समस्याओं में सुधार लाता है, गैस, पेट दर्द, अफारा आदि से छुटकारा दिलाता है। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यह कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है, यह खून की कमी को रोकता है, यह बंद खून की नलियों को खोलने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारी नहीं हो पाती। सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ की समस्या में प्याज बहुत ही फायदेमंद है। कच्चा प्याज खाने से शरीर में इंसुलिन पैदा होता है, इसलिए कच्चा प्याज डायबिटीज़ वालों के लिए ज़रूरी है। और नींबू की बात करें तो नींबू पाचन सुधारता है, त्वचा रोग मिटाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मुंह की बदबू मिटाता है, शरीर के पीएच लेवल को संतुलित करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, गले के इन्फेक्शन को दूर करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में करता है, किडनी और मूत्राशय को साफ करता है। अब अंत में बात करते हैं सेंधे नमक की। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है, स्ट्रेस दूर करता है, शरीर से दर्द मिटाता है, पथरी निकालता है, सांस की सभी समस्याएं मिटाता है, अस्थमा, डायबिटीज़, जोड़ों के दर्द, इन सभी में सेंधा नमक बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखा आपने कितने सारे फायदे होंगे इस सलाद को खाने से, परंतु इसका प्रतिदिन भोजन से 15-20 मिनट पहले अवश्य लें और ऊपर से सिर्फ 1 कप गर्म पानी का सेवन, आपकी सभी दवाइयां धीरे धीरे छूट जाएंगी। ना आपको हार्ट अटैक का खतरा होगा, ना घुटनों में दर्द, ना पाचन समस्या। यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।